मृत्युंजय महादेव, जय जय मृत्युंजय महादेव, जय जय मृत्युंजय। आयुष्मान भव। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे ऋषिवर। ये पुत्र तुम्हारा तो नहीं है उमा देवी, किंतु मातृवत मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि सत्य रथ के इस पुत्र पर शिव कृपा हुई है, इसी कारण भगवान शिव ने वृषवर अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हुए इसके लालन पालन का कार्य तुम्हें सौंपा है। तुम तीनों को दर्शन देकर तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर, अतीत जानते हैं, वर्तमान आपके सम्मुख है, कृपा कर इस बालक का भविष्य बताएं। देवी उमा, इसका भविष्य बताना नहीं बनाना है, और वो भी तुम्हें बनाना है। मुझे भविष्य बनाने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है ऋषिवर? मैंने अभी अभी कहा ना, जिस साधु ने तुम्हें इस बालक के पालन पोषण का आदेश दिया था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वृषवर अवतार के रूप में उन्होंने केवल तुम्हें दर्शन ही नहीं दिए, सामर्थ्य भी दिए। तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त है। तो मुझे क्या करना होगा ऋषिवर? शिव की कृपा प्राप्त इस बालक का भविष्य उजागर करना है। पर कैसे? सुनो उमा देवी, इसके पिता सत्य रथ पर शिव प्रकोप के कारण संकट आया और ये अनाथ हो गया, किंतु इस पर शिव की कृपा थी, इसलिए ये अनाथ होकर भी इसका पालन पोषण तो अवश्य हुआ है, परंतु ये अपने राज्य और वैभव से अब तक वंचित है। उसकी प्राप्ति का उपाय बताए ऋषिवर। शिव प्रदोष पूजन के महत्व को जानकर उसे नियम पूर्वक पूर्ण करना होगा। इस बालक को अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। महाराज, आप अपने शत्रु पुत्र की खोज करके थक गए थे, किंतु आपकी कृपा से मैंने उसे खोज लिया है। कहाँ है वो? उमा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन कर रही है। ब्राह्मणी का पुत्र सुचिव्रत और आपका शत्रु पुत्र धर्मगुप्त दोनों महर्षि शांडिल की आज्ञा अनुसार शिव प्रदोष व्रत की पूजा शिवालय में आरंभ करने जा रहे हैं। बस, धर्मगुप्त आज अंतिम बार आएगा शिवालय में, अपने पिता की भांति वो भी हमारे हाथों आज यमलोक पहुंच जाएगा। शिवालय में शत्रु पुत्र के साथ उसका काल भी आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ॐ नीलकण्ठाय स्वाहा, ॐ मृत्युञ्जयाय स्वाहा, ॐ महावीर्याय स्वाहा, ॐ रुद्राय स्वाहा। शत्रु पुत्र कौन है? कैसे पहचानूं मैं उसे? ये कैसी दुविधा है? इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मैं इन दोनों को समाप्त कर देता हूं। भगवान
भगवान शिव की पूजा करने से तुम्हें लाभ ही लाभ हुआ है पुत्रों। वो दुष्शत्रु जो दोनों हाथों में तलवार लेकर तुम्हारा अहित करने आया था, शिव कृपा के कारण ही आज तुम्हारी उससे रक्षा हुई है। भगवान शिव की शरण में आने से वे सदा भक्त जनों की रक्षा करते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई आजीवन शिव पूजा करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।